वेलकम टू डिम्पल्स किचन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिनी फूड चैलेंज। जो भी खाना बनाएंगे आज वो छोटा छोटा खाना बनाएंगे और वही खाएंगे और सबको वही खिलाएंगे। और मिनी फूड चैलेंज करने के लिए आप देख सकते हो मेरा सेटअप भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे सारे बर्तन मैंने लगा लिए। ये इतू सा मेरे पास चकला बेलना भी है, इसपे हमने खाना बनाना है। ये हमारे पास गिलास है जिनमें हमने पानी पीना है, दूध पीना है, जो भी पीना है इसी में पीना है। और सबसे बड़ी बात, मल्लन साहब को चाय पीने के लिए कप भी है। आज बड़े बड़े मग में चाय नहीं मिलेगी, छोटे से कप में चाय मिलेगी। और ये छोटे छोटे से स्पून है जिनके साथ हम खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिसपे हमने खाना बनाना है, ये देखो, ये मैंने अमेज़न पे सर्च करा तो दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, जब आया तो ये तो सही निकला। तो इस पे हम आज खाना बनाने वाले हैं और इसमें हम लकड़ी लगाएंगे क्योंकि गैस नहीं है हमारे पास। तो इस पे हम खाना बनाने वाले हैं और अपने किचन की रक्षा करने के लिए पांडा भी रखा है मैंने यहाँ पे, ये हमारी किचन की प्रोटेक्शन करेगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मल्लन साहब को चाय तो चाहिए ही है। चाय बनाएंगे, उनके लिए बनाएंगे आलू के पराठे। और निश्चय अभिषेक जब उठेंगे तो फिर उनसे पूछेंगे कि उनको क्या खाना है, तो वो उनके हिसाब से बनाएंगे। और आलू के पराठे बनाने के लिए आप देखो, ये आलू भी इतू इतू से लेके आई हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे आलू, पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान लेके आई हूँ मैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले इनको बॉयल करते हैं आलू। बॉयल भी हमने इस चूल्हे पे करना है, तो पहले ये चूल्हा जलाते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाते हैं, ये बहुत बड़ा टास्क है। आग कैसे जलेगी, तो उसके लिए मैंने ना कपूर लिया है और ये छोटी छोटी सी लकड़ियां ली हैं, ये छोटी छोटी सी लकड़ियां ली हैं। तो ये लकड़ियां इनमें लगा देते हैं और एक पीस कपूर का मैंने रख दिया। आग जल गई, इसमें मैंने पानी भी डाल के रखा है। तो पहले पानी डाल के हम आलू बॉयल करते हैं, इसमें करेंगे बॉयल क्योंकि ये तो छोटी सी है मटकी हमारी। पानी मैंने डाल दिया, अब इसको भगवान का नाम लेके रख देते हैं। बीरबल की खिचड़ी मैंने पकनी रख दी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पकने में। जब पानी गर्म होगा फिर इसमें हम आलू डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें आलू डाल देते हैं बॉयल करने को। पानी गर्म होने में इतना टाइम लगा है, तो आलू बॉयल होने में तो पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। इतना भी लगेगा, करना तो पड़ेगा। तो अभी वेट करते हैं आलू बॉयल होने की, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। आटा भी हमने इतू सही लिया, इतू सही गूंदना है। बहुत छोटे छोटे पराठे बनाने वाले हैं, साथ साथ चूल्हा देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतना सा है तो बहुत जल्दी ये बंद हो जाएगी। है ये मिनी फूड चैलेंज पर टास्क ये बहुत बड़ा है, तो आटा गूंद लेते हैं। तो एक घंटा हो गया है आलू बॉयल होते होते, देखो इतने छोटे छोटे से आलू भी एक घंटा लग गया और बॉयल हो गया, पानी सारा सूख गया है, आटा हमने गूंद लिया हुआ है। बस आलू छील के फटाफट रोटी बना लेते हैं। आलू हमने छील लिए, अब इसको फटाफट मैश कर लेते हैं। गैस हमने दोबारा जला ली और ये जो है ना, इस पे हम रोटी बनाने वाले हैं। आलू हमारे तैयार हैं, आटा भी तैयार है। देखते हैं अब इस पे बीरबल की खिचड़ी पकती है कि नहीं। हमारे तवे के हिसाब से इतनी बहुत है कि तवा ही हमारा बहुत छोटा है। इस पे डाल देते हैं रोटी, बहुत बड़ी है, थोड़ी सी और छोटी करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी तो 100 रोटियां भी बनाऊंगी तो पूरा नहीं पड़ेगा ये ज्यादा, मतलब ना ये तो मिनी से भी मिनी हो गया, बहुत ज्यादा छोटा चूल्हा है हमारा। रोटी से ज्यादा तो मुझे चूल्हे का ध्यान रखना पड़ रहा है। इतू इतू सी रोटी बन रही है, गंद देख रहे हो कितना पड़ रहा है इतने छोटे चूल्हे में भी। बहुत ही स्लो मो में आग जलते हुए और बहुत ही धीरे धीरे रोटी बनते हुए ये हमारी एट लास्ट रोटी हमारी बनी गई है। जैसी भी बनी वो तो मल्लन साहब को खानी पड़ेगी। अब चाय भी बनाते हैं उनकी और इसको हम, प्लेटे तो हमारे पास दो ही हैं, हमने दोनों यूज कर ली। चाय हम इसी में रखेंगे जिसमें हमने आलू बॉयल करे थे। एक घंटा लगा पहले आलू बॉयल होने में, अब आधा घंटा लगा एक रोटी बनने में, अब मेरे को लगता है आधा घंटा लगेगा चाय बनने। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ये हमने रोटी मल्लन साहब के लिए डाल दी है, ये भी हमारे पास एक छोटी सी प्लेट है, इसमें हमने रोटी डाल दी है। वैसे ये तानाजी के साइज की रोटी बनी है, इसमें डाल दी हमने चाय पत्ती।
बहुत मेहनत लग रही है इसी बात पे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चाय में उबाला आते हुए अब इसमें हम डाल देते हैं दूध। खुशी हो रही है सच में, ये थोड़ी जल्दी बन गई, फिर से आंख बंद हो गई है। अपना तो डन हो गया, ब्रेकफास्ट बन गया है, लेकिन अब जो निश्चय या अभिषेक जो भी बोलेंगे तो ये मैं नहीं करने वाली। मैं आपको साइड इफेक्ट्स दिखा रही हूँ इसके, इतना गंद पड़ गया है किचन में। चलो कोई बात नहीं, एक टास्क हमने इस पे पूरा कर लिया, नेक्स्ट जो है वो हम गैस पे बनाने वाले हैं। चाय बन गई है, चाय भी देखो इतो सी चाय बनी है, वो खुद ही आ गई। इससे पहले कि मैं जाऊं वो खुद ही आ गए हैं कि भाई चाय पिला दो, पीछे बहुत गंद है, जरा ध्यान से। ये आज आपका ब्रेकफास्ट, पता कितनी मेहनत करी है, इतने से चूल्हे पे हमने खाना बनाया है ये। ओए होए, पता मेहनत कितनी है, 3 घंटे लग गए हमें ये एक सिर्फ इतनी इतनी छोटी छोटी रोटियां बनाने में। ब्रेकफास्ट हमारा डन हो गया, लेकिन अब मैं ये यूज नहीं करने वाली। मेरी मेहनत के कितने पॉइंट्स है? 10 out of 10। ओ फिर तो ठीक है, थैंक यू। अब ये देखो, ये सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने के आफ्टर इफेक्ट्स, ये किचन पूरी चाय गिर गई थी चाय बनाते बनाते, और ये चूल्हा हमारा देखो क्या हाल। तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा डन, अब निश्चय आ गया उठ के, तो देखते हैं उसको, पूछते हैं कि उसने क्या खाना है, तो फिर वही चीज हम बनाएंगे। क्या खाना है आज? बहुत मिनी फूड मिलेगा, बता दे मिनी फूड में तूने क्या खाना है, मिनी फूड में क्या खाना है? कुछ भी खिला दो सब चलेगा, सब चलेगा। हाँ। कुछ स्पेशल, कुछ एग्जांपल दे दे कि कुछ मेरा मन कर रही है खाने का। जो भी आप मॉर्निंग में खिलाते हो यूजुअली, उसमें से कुछ भी बना दो। हाँ, कोई ब्रेड या पैनकेक हो गए, मूसली, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं। तो निश्चय ने पैनकेक बोला है, तो फिर हम मिनी पैनकेक बनाते हैं। तो पैनकेक के लिए पहले हम पैनकेक का बैटर बना लेते हैं। आज सब कुछ मिनी बनाना है, तो फिर मिनी मिनी इतना सही बैटर हम घोलने वाले हैं दूध के साथ। और अब पैनकेक हम इसमें बनाएंगे, ये भी हमारा छोटू सा पैन है, कुल छोटे छोटे पैनकेक बनाने वाले हैं, क्योंकि चूल्हे का आइडिया हमारा फ्लॉप हो गया, तो इसलिए हम अब जो बनाएंगे वो गैस पे बनाएंगे। ये भी हमारा छोटा वाला गैस है, तो ये वाली साइड हम यूज करने वाले हैं। शुक्र है बन गया, तो सब पैनकेक बन गए। बहुत मुश्किल है छोटा छोटा खाना बनाना, पर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बन गए हमारे पैनकेक, दोनों न्यूटेला लगा दो इस पे। अब इस पे न्यूटेला लगा देते हैं, न्यूटेला मैंने लगा दिया। अब ये मेरे पास ना पैनकेक पे लगाने वाली स्प्रिंकल्स हैं, तो ये भी इस पे लगा देते हैं। ये हो गए हमारे मिनी पैनकेक रेडी। अब ये खिलाते हैं निश्चय को और पूछते हैं उससे। ये नोनू ने बोला था पैनकेक, और फोक भी इसके लिए इतना सही आया, छोटू सा। Very nice. क्या है मम्मी, ये पैनकेक नहीं है, पैनकेक ही है। पैनकेक बाइट्स है ये, एक ही बाइट। मुझे सीरियसली मुंह तक नहीं खोलना पड़ा इसको खाने के लिए। मैं ये दबा के ऐसे मिनी फूड तो यही होता है ना। ये लो अब एक्चुअली वाला बना लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लंच भी हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, अब चलो डिनर की तैयारी करते हैं। और डिनर में मैं और डिनर की तैयारी में मम्मी आप क्या बनाने वाले हो मुझे बताओ। मैं मिनी ब्रेड सैंडविच बनाने वाली। अरे मैं अभी दुबई से आई, तुम हमको छोले भटूरे छोले पूरी खिलाती ताकि हम कल से फिर से डाइटिंग पे जाती। सच में देख ले, सब मेरे को बोलते हैं कितना पतला हो गया, मैं पतले में पतला हो ही जा रहा हूँ। अब दुबई से आया तो थोड़ा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा ना, कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है। बताओ बाहर से ही तो खा के आया है। अरे छोले पूरी बनाती हम, छोले पूरी पूरी और भटूरे खाती, फिर हम बहुत मेहनत करती कल से, इंडिया को अच्छा अच्छा वीडियो देती, फिर मिनी खाती, पर मिनी इतना खाती कि तुम सोच नहीं पाती, फिर हम खाती जाती। तो ठीक है चलो जी बना लेते हैं हम छोले पूरी प्लस भटूरे, अभी भी हम आती। चलिए फिर बनाते हैं छोले पूरी, चैलेंज किया है तो फिर मानना तो पड़ेगा, जो फैमिली बोलेगी वही बनाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी कढ़ाई भी हमारी काम आ जाएगी, बना लेते हैं छोले पूरी। छोले हमारे पास बॉइल्ड पड़े हैं, लकीली मेरे पास पड़े थे, और आटा ये सुबह वाला बचा हुआ है, तो इसकी छोटी छोटी सी पूरियां बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोले बनाते हैं।
प्याज टमाटर मैंने इसमें डाल दिया, इसको भून के इसमें डाल देते हैं। ये प्याज टमाटर हमारे भून गए, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, छोले डाल देते हैं इसमें। छोले हमारे बन गए, ऊपर से धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं और फिर फटाफट पूरी बना लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना भी एक अलग सा एक्सपीरियंस हो गया। अच्छे बन गए छोले हमारे, इसको साइड पे करते हैं। पूरी हम इसमें बनाने वाले हैं, ये छोटे वाले पैन में। ऑयल गर्म भी हो गया हमारा, जल्दी से पूरी डाल देते हैं। जब हम छोटे होते थे ना तो घर घर खेलते थे, तब भी हमने बहुत ऐसे छोटे छोटे काम किए हैं। खाना बनाते होते थे, रियल में खाना बनाया, इतनी फूल के बन रही है पूरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े होके भी हम रियल में ऐसे छोटा छोटा खाना भी बनाएंगे। चलिए छोले भी हमारे बन गए, पूरी भी अब बन गई और जिसकी डिमांड थी उसको खिला देते हैं। तो ये होगी हमारी छोले पूरी रेडी। अब चलते हैं अभिषेक के पास और उसको खिलाते हैं। अबू अंजी बोलो, ये आ गया तेरा मिनी छोले पूरी। छोले पूरी, यो गाइस इट्स मी बेबी आई। और क्या, रात को खिलाना था ना, शाम को खिला रहे हो। तूने कहा कुछ खिला दो तो मैंने बना दिए। ज्यादा ही मिनी नहीं हो गया? ज्यादा ही मिनी हो गया, मिनी से भी मिनी हो गया, क्योंकि हमारा चूल्हा भी बहुत मिनी था, वो तूने देखा नहीं। मैं जायंट हूँ, तो मिनी खाना है। ये मिनी खाना है, यम यम। छोटी छोटी पूरिया खाने में आपने खाना है? नहीं, तू खा ले। यम्मी यम्मी। चलिए खाना तो हमारा तीनों टाइम का हो गया, लेकिन मीठा नहीं हमने कुछ बनाया। अभी हम कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि मीठे के बिना तो खाना अधूरा ही लगता है। तो मीठे में मैं बनाने वाली हूँ क्रीम चीज शॉर्ट्स। ये मैंने क्रीम चीज ली है, व्हिपिंग क्रीम ली है और साथ में ये बिस्किट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये क्रीम चीज और व्हिपिंग क्रीम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। बिस्किट्स को क्रश करके इसमें डाल देते हैं। बेस हम बिस्किट्स का बनाने वाले हैं। बिस्किट्स को पहले हम क्रश कर लेते हैं। गिलास में पहले बिस्किट्स का बेस बना लेंगे। ये हो गए हमारे ओरियो क्रीम चीज शॉर्ट्स रेडी, ये सर्व कर लेते हैं अब। तो खाने के बाद मीठा तो है ही जरूरी है, इसलिए ये है ओरियो क्रीम चीज शॉर्ट्स। मिनी शॉर्ट्स, मिनी फूड है ना, तो मैंने शॉर्ट लगानी है। वाह वाह, क्या चीज है हबीबी, क्या चीज बनाई, एकदम दुबई फिर करती। अल हबीबी वेरी यम, है ही इतना सा है, वैसे तो दो चम्मच में खा ली हो जाता है। तुम इतना मिनी फूड खिलाती है, हमें लार्ज फूड मांगती। इस वीडियो पे तुम 2 लाख लाइक देती, लार्ज फूड चैलेंज बनाती। बनाएंगे बनाएंगे, अगर आएंगे इस पे 2 लाख लाइक्स। कभी भी इतने तो व्यूज आते हैं जितने लाइक्स मांग रहे हो। देख लो भाई कर देना, अब पसंद आए वीडियो तो लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।